अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, पाकिस्तान रेंजर की जानिब से जो है बाकायदे से कॉल लेटर का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमारे पास जो है तीन लड़के हैं जिनका जो है कॉल लेटर आ चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी हाइट क्या थी और उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी और किन किन को कॉल लेटर आ रहे हैं और मेरिट क्या बना है और इसमें सिफारिश की भी कोई हाथ थी या नहीं, तो इसी वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आपको जो है इन्फॉर्म किया जा रहा है SMS और कॉल के जरिए। अगर तो है फ्रेंड्स आपने जो है नंबर जो दिया था तो अगर आपका बंद है तो जल्दी जल्दी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली नंबर ऑन कर लीजिए। आपको जो है बजरिए SMS और कॉल के जरिए बताया जा रहा है। फिर ये मत कहिएगा कि हमारा नंबर बंद था और हमारा पता नहीं मैसेज आया होगा या कॉल नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आपने जो है नंबर्स काइंडली आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान रेंजर को, अगर आपने टेस्ट दिया था, फिजिकल पास किया था, तो फ्रेंड्स आप नंबर काइंडली ऑन कर लीजिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पाकिस्तान जॉब्स बैंक को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर तमाम तफसीलात आपको तफसील के साथ गाइड की जाती हैं। अगर किसी का कॉल लेटर आता है वो भी आपको दिखाया जाता है प्रूफ के साथ, और ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान रेंजर के जो है सिलसिला कॉल लेटर का शुरू हो चुका है और बाकायदे से इनका जो है 3 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई फ्रेंड्स अगर अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बना तो मैं अभी उनको बता रहा हूँ कि रेड कलर का आपको बटन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उस पर क्लिक करके और फिर बेल आइकन बटन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसी कोई गवर्नमेंट्स की जॉब आए या सिंध रेंजर के हवाले से कोई अपडेट आए तो आपके पास बिना किसी ताखिर की ओपन हो जाए। अब बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट्स का मेरे पास जो है कॉल लेटर है। मेरे जो है फ्रेंड्स एक क्लास फेलो भी था जिसका जो है कॉल लेटर आ चुका है। अगर उसकी मैं एजुकेशन की बात करूं तो उसकी एजुकेशन थी फ्रेंड्स मैट्रिक, और उसकी हाइट की अगर बात करूं तो 5 फीट 11 इंच तकरीबन 6 फुट इंच है फ्रेंड उसका जो हाइट थी, और जो दो उसके जो है कज़न थे उनकी भी जो फ्रेंड्स 5 फीट 9 इंच और एक का जो है 5 फीट 10 इंच हाइट थी, उनका जो है कॉल लेटर बाकायदा से आ गया है। और सिफारिश की अगर मैं बात करूँ तो सिफारिश तकरीबन उनकी जो है अल्लाह के सिवा कोई नहीं थी, उनकी कोई सिफारिश नहीं थी, और वो बाज़ाहिर ही उनको जो है कॉल के ज़रिए बताया गया कि आप जो है पाकिस्तान रेंजर में सिपाही सेलेक्ट हो चुके हैं और आप जो है 5 तारीख को जो है सिंध में जो है उनका बाकायदा सेंटर है बड़ा, उसमें जो है आपने रिपोर्ट करना है। तो उन्होंने जो है 5 तारीख को जाना है, उनको जो है तकरीबन कल कॉल आई है, कल 3 तारीख से जो है बाकायदा से कॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है लेटर का, मतलब कि कॉल के ज़रिए आपको बताया जा रहा है। तो आपने अगर नंबर बंद है तो आपने काइंडली रिक्वेस्ट की जाती है कि आप नंबर ऑन कर लें, और जिन कैंडिडेट्स को आ चुकी है तो उनको हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद कि उनको पाकिस्तान रेंजर में सिलेक्शन हो गई है। तो फ्रेंड्स आपने नीचे कमेंट्स में बताना है अगर किसी का कॉल लेटर या कॉल उसको मसूल हो गई है कि मेरा कॉल लेटर आ चुका है, तो उससे नीचे कमेंट में बताना है कि मेरा जो है कॉल लेटर या कॉल मुझे मसूल हो गई है सिलेक्शन की। तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार करूँगा कि आप किन किन कैंडिडेट्स को आया है या किन किन को नहीं आया, तो आपने लाजमी बताना है जिन्होंने अप्लाई किया था, तो इंशाल्लाह उनके लिए जो है हम कोशिश करेंगे कि मेरिट लिस्ट हम निकलवा सकें तो आपको दिखाएंगे। तो उसके अलावा फ्रेंड्स आपने घबराना नहीं है, इसमें जो है इंशाल्लाह आपके अगर मेरिट पे होंगे तकरीबन इनका जो सिलसिला है 15 दिन तक चलता रहेगा, कॉल लेटर बाकायदा से निकलते रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पंजाब के जो है ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि 50% जो कोटा होता है पंजाब का होता है और बाकी अज़ला का जो है फ्रेंड्स तकसीम की जाती है, बाकी जो अज़ला होते हैं KP के हो गए, उसके अलावा सूबे हो गए, तो पंजाब को जो है ज़्यादा सूबे का जो है कोटा रखा जाता है, इसमें जो है ज़्यादा सिलेक्शन होती है। तो आपने घबराना नहीं है, अगर आप मेरिट पे उतरे थे, फिज़िकल आपका पास था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मैं भी कि आपको जो है कॉल लेटर आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसकी जो है ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, अगर इंसान में थोड़ी सी हिम्मत हो तो ट्रेनिंग आसानी से कर जाता है। और हमारी दुआ है कि आप जो है खैर आफियत से मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा। हम इस पूरी उम्मीद से आपसे इजाज़त लेते हैं कि कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।